नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। सुंदरनगर में 7 कमरों का मकान जलकर राख, एक की जान जाने का अंदेशा। सुंदरनगर की घीड़ी पंचायत के खदेड़ी गांव में मंगलवार देर रात 7 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। इसमें एक व्यक्ति के जलने का अंदेशा जताया जा रहा है। पंचायत प्रधान रूपलाल ने बताया कि इस मकान में देर रात आग लगने से मकान में एक व्यक्ति के जलने का अंदेशा जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर निवासी लोकेश कुमार के बगीचे में ये मकान था। आग लगने का कारण पता नहीं लग पाया है, जबकि पंचायत के स्थानीय स्तर पर आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए थे। चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर ढाबे में काम करने वाले युवक की हत्या, सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक काबू। चिंतपूर्णी बस स्टैंड में ढाबे पर काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मंगलवार करीब रात 1:30 बजे ये सूचना चिंतपूर्णी पुलिस को मिली। इसके बाद चिंतपूर्णी पुलिस के हेड कांस्टेबल फिरोज अख्तर अपनी टीम सहित बस स्टैंड पहुंचे। पुलिस टीम को मौके पर पहुंचने के बाद मृतक हैप्पी पुत्र राजेश कुमार को, जो कि मेन थप्पल काला अंब तहसील नाहन जिला सिरमौर का रहने वाला था, मृतक पाया गया। मृतक चिंतपूर्णी में किसी निजी ढाबे में काम करता था। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की सहायता से एक व्यक्ति की पहचान की गई है, जिसका नाम विजय पुत्र संतलाल निवासी लुधियाना के तौर पर हुई है, जो मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसको चिंतपूर्णी बदेहरा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत पकड़कर हिरासत में ले लिया है। वहीं मामला देहरा पुलिस के अधीन होने से इसकी कार्रवाई देहरा पुलिस को सौंपी गई है। वहीं हत्या की सूचना मिलने पर SP कांगड़ा खुशहाल सिंह ने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अभी इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। नालागढ़ में दिन दहाड़े चली तलवारें, नकाबपोश हमलावरों ने किया बुटीक संचालक पर हमला। नालागढ़ में दिन दहाड़े चली तलवारें, नकाबपोश हमलावरों ने किया बुटीक संचालक पर हमला। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ में तेज धार हथियारों से लैस नकाबपोश हमलावरों ने एक बुटीक की दुकान पर हमला कर दिया। इस हमले में बुटीक संचालक और उसके कर्मचारियों को चोटें आई हैं। हमलावरों ने बुटीक में भी जमकर तोड़फोड़ की और सामान को नुकसान पहुंचाया है। ये घटना नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 में दिन में करीब 1 बजे की है। इस वारदात के बाद से शहरवासी सहमे हुए हैं और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मारपीट का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बेखौफ हमलावरों की करतूत बुटीक में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई है। DSP बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि शुरुआती पड़ताल में इस घटना के पीछे पुरानी रंजिशें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों को बुधवार को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने जिले के चांदगाम गाँव में आज सुबह घेराबंदी और तलाश अभियान छेड़ा। इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलाई। दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। बारिश बर्फबारी ने अस्त व्यस्त किया जनजीवन, संपर्क मार्ग बिजली आपूर्ति बाधित। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश व बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी जिला में मंगलवार से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण कई स्थानों पर संपर्क मार्ग व बिजली आपूर्ति के कारण कई स्थानों पर संपर्क मार्ग व बिजली आपूर्ति चलते जिला में बिजली के 97 ट्रांसफार्मर सहित 26 सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य संबंधित विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जीवन पटरी पर लौट सके इसके लिए संबंधित विभागों को कार्य प्रगति पर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ADM मंडी राजीव कुमार ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि पर्यटक बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों का रुख ना करें। उन्होंने कहा कि पिछले कल पराशर घूमने गए 59 पर्यटक
बर्फबारी के चलते फंस गए हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।